भोपाल में आम आदमी पार्टी प्रभारी बीएस जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी सभी 230 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है। पार्टी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें हम 230 की 230 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। हमने प्रोसेस कैंडिडेट्स का सेलेक्ट करने का कार्रवाई शुरू कर दी है, सर्वे करवा रहे हैं और बहुत जल्द हम कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेंगे। हमारे जो दिल्ली के नेता हैं आज वो पूरे मध्य प्रदेश में, पंजाब के नेता जो है पूरे मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं और वो जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं। पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं और बहुत जल्द जो है पार्टी पूरे जोर शोर से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही है। अरविंद जी, भगवंत मान जी और जितने भी जो वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश आएंगे और पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की कमान संभालेंगे। हम पूरी की पूरी 230 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस से इनका समझौता हो गया, शायद ये चुनाव ना लड़ें। ऐसा कुछ नहीं है, हम 230 की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसका कारण ये है कि अगर विपक्षी एकता की बातें चल रही हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए हैं, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए हैं। तो बिल्कुल गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं साफ कर देता हूं कि हम 230 की पूरी विधानसभाओं में सीरियसली गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम ऐसे कैंडिडेट देंगे जो जीत के आएंगे।